एवरीवन, मैं हूं बबल एंड वेलकम अगेन टू द चैनल साहिल एंड बबल, जिसमें हम आपसे शेयर करने वाली हैं अपना दुबई का वीकेंड ट्रिप एक्सपीरियंस और लेके चलेंगे आपको दुबई के कुछ पॉपुलर डेस्टिनेशंस पे। और ये भी बताने वाले हैं कि हमने किस होटल में स्टे किया और उसके नियर बाय क्या क्या पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं और आपके मिनटली वहां पे कैसे पहुंच सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। सो आफ्टर 2 आवर्स ऑफ बस जर्नी फ्रॉम अबू धाबी हम पहुंच चुके हैं दुबई। जो बस थी उसने हमको ड्रॉप किया इब्न बतूता मेट्रो स्टेशन पे और वहां से मेट्रो लेके डायरेक्ट हम पहुंच रहे हैं अपने होटल हॉलीडे इन। और होटल बुकिंग के टाइम हमने इस बात का ध्यान रखा था कि जो हमारा होटल हो वो मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास ही हो, ताकि जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना कन्वीनियंट रह सके। एंड दिस इज आवर स्वीट फॉर नेक्स्ट 2 डेज। सो रूम को इन्होंने कुछ एंटीक टच दिया हुआ था, कुछ इस तरह की डेकर आइटम से और रेफ्रिजरेटर से लेके वेइंग मशीन, वैनिटी किट, सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस लिविंग इन दिस सुइट। और इस होटल को बुक करने के मेजर बेनिफिट्स ये थे कि एक तो ये मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल ही पास था, अराउंड 400 मीटर के डिस्टेंस पे ही था मेट्रो स्टेशन, और सेकेंडली वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप स्विमिंग लवर हैं तो रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल मिल जाएगा आपको, और अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो यहाँ पे जिम की फैसिलिटी भी है। एंड 2-3 आवर्स रेस्ट करने के बाद हम चले गए मॉल ऑफ फैमिलियर्स, जो कि यहाँ से हमारे होटल से अराउंड 500 मीटर के डिस्टेंस पे ही था। एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड। यहाँ पे एक ही रूफ के अंदर आपको 630+ ब्रांड्स मिल जाएंगे। सो अगर आप शॉपिंग लवर हैं और जब भी आप दुबई विजिट कर रहे हैं तो इसको अपनी आइटनरी में ज़रूर ऐड कर लेना। अब इस मॉल को विजिट करने के बाद, यहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम चले गए दुबई मॉल, क्योंकि वहाँ पे हमको देखना था फाउंटेन शो, जो कि हर शाम को 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं विजिट करने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैंटिलीवर बिल्डिंग, जो कि है दुबई फ्रेम। तो अगर हम एंट्री टिकट की बात करें तो पर एडल्ट ये 50 दिराम है, जो कि इंडिया के अराउंड 1100 रुपीज़ के इक्वल बनता है, और किड्स के लिए ये 20 दिराम है। और अगर आप इनके पीक आवर्स में आते हैं लाइक अक्टूबर टू मार्च, तो जो टिकट प्राइजेज हैं वो 100 दिराम तक भी पहुँच जाते हैं। 150 मीटर टॉल इस फ्रेम में टोटल 45 फ्लोर्स हैं, और ये जो पूरा टावर है ये गोल्ड प्लेटेड है, और इसका जो गोल्ड प्लेटिंग है इसको बहुत ही रॉयल लुक दे रही है। और आप बाहर से ही देख सकते हैं कितना मैसिव है ये टावर, तो अंदर जाके देखते हैं किस तरह का लगता है ये।
तो एंट्री करते ही फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने एक म्यूजियम बनाया हुआ है जिसमें एंशियंट टाइम में जो अरेबिक लाइफस्टाइल कैसा था उसके बारे में बताया गया है, लाइक उनका ऑक्यूपेशन क्या क्या था उस टाइम पे, फिशिंग, डेट पाम कल्टिवेशन या टेलरिंग, यही सब इनका मेन ऑक्यूपेशन था। और उस टाइम पे स्कूल्स किस तरह के थे, ये सब भी आपको इस म्यूजियम में देखने को मिलेगा। अब हम इस एलिवेटर से 48 फ्लोर पे जा रहे हैं और वहाँ देखने वाले हैं इस म्यूजियम की मेन अट्रैक्शन जो कि है ग्लास फ्लोर। और इस एलिवेटर की स्पीड इतनी है कि कुछ ही सेकंड्स में हम पहुँचने वाले हैं 48 फ्लोर पे और लिटरली बहुत ही अमेजिंग व्यू होने वाला है वहाँ से दुबई का। इसके एक तरफ नॉर्दर्न साइड पे ओल्ड दुबई एरिया दिखता है आपको, एंड इसके ऑपोजिट साउदर्न साइड पे मॉडर्न एलिगेट साइड सिटी की आपको देखने को मिलेगी। एंड फाइनली ये रहा वो ग्लास फ्रेम जो कि 150 मीटर की हाइट पे है और यहाँ से नीचे का व्यू बहुत ही अमेजिंग है। आप इस फ्लोर पे चल सकते हो, फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो, बट जंपिंग एंड सिटिंग ऑन दिस फ्लोर आर नॉट अलाउड। यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी सी स्क्रीन और उसके साथ ही एक डिजिटल राइटिंग पैड सा बनाया हुआ था और जो भी आप इस पैड पे लिखते थे वो सामने स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाता था। टॉप फ्लोर हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब हम जा रहे हैं नीचे 48th फ्लोर से एलिवेटर से और नीचे जाके देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे विजिट करने के लिए।
तो अगेन नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आते ही इन्होंने फ्यूचर दुबई गैलरी बनाई है और वहाँ पे कर्व्ड स्क्रीन पे एनिमेशन मूवी के थ्रू बताया है कि फ्यूचर में दुबई किस तरह का लगेगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस तरह का होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी होंगी, स्कूल्स किस तरह के होंगे, एजुकेशन सिस्टम किस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये सारा एक एनिमेशन मूवी के थ्रू बता देते हैं। दो टावर्स के बीच में ये जो ब्रिज बना हुआ है, इसको 4 हाइड्रोलिक जैक्स लग गए थे ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक पहुंचाने के लिए, और ये जो काम था ये 2 दिन में ख़त्म हुआ था, यानी 2 दिन लग गए थे इस ब्रिज को ग्राउंड से ऊपर तक पहुंचाने के लिए। Two giant cranes were responsible for lifting all the material for the respective towers and the cranes were capable of lifting 12 tons each. एग्जिट के जस्ट पास इन्होंने एक सुवेनियर स्टोर बनाया हुआ है जहाँ से आप कुछ मेमोरी के लिए कुछ परचेज कर सकते हैं, लाइक कैप्स, फ्रिज मैग्नेट्स, मग्स, टी शर्ट्स एक्सेट्रा। और जब आप एंट्री करते हैं ना, तो वहाँ पे ये आपकी एक फ़ोटो खींच लेते हैं और जाते टाइम इसी स्टोर में, इसी सुवेनियर स्टोर में उसे कुछ फ्रेम में बना के आपको दिखाते हैं, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप पे करके वो परचेज भी कर सकते हैं। करके चले गए अपने होटल, वहाँ लंच किया, कुछ टाइम रेस्ट की, क्योंकि शाम को हम जाने वाले हैं दुबई ओनली नेचुरल बीच काइटिंग, जो कि पॉपुलर है अपने वाइट सैंड बीचेस के लिए, काइट सर्फिंग के लिए और एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलावा यहाँ पे साइकिलिंग के लिए प्रॉपरली साइकिलिंग ट्रैक बना हुआ है और रनिंग ट्रैक भी बना हुआ है, और इसके अलावा बहुत सारे खाने पीने के अलग अलग ऑप्शन भी आपको इस बीच पे मिल जाते हैं।